राज्य गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। सर्वजन वशीकरण मंत्र। तंत्र तब चलता है जब यंत्र और मंत्र का संगम होता है। यंत्र दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो किसी प्रकार की के दवात से, किसी भी सरफेस पे, चाहे वो ताम्र पत्र हो, वो भोज पत्र हो, वो जमीन हो, है ना, या किसी वृक्ष का छाल हो, आज के डेट में पेपर है। और दूसरा यंत्र तैयार होता है हवन कुंड में, जिसमें एक विशेष तरीके से आप लकड़ियों को सजा करके और उसमें ये पंच महाभूतों से बने हुए वस्तुओं को अर्पण करते हैं। दोनों यंत्र है, हवन कुंड भी एक यंत्र है और हवन कुंड जागृत यंत्र होता है, जो आप जाप करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा लाभ आपको हवन कुंड देता है। लेकिन हवन कुंड में जब आप आहुति देते हैं तब तक आपका मंत्र परफेक्ट होना चाहिए। आप गलत सलत मंत्र बोल के हवन कुंड में आप आहुति नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये यंत्र जागृत है, मतलब ये यंत्र उतना ही एग्रेसिव होता है। इसीलिए हवन के पहले बोला जाता है कि जितना हवन करने वाले हैं उससे 10 गुना ज्यादा आपको जाप करना चाहिए। आते हैं, आज जो हम लोग पद्धति करेंगे वो किसी भी शनिवार की रात को आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो पूजन विधि है वो शनिवार सुबह को आपको करना होगा। आपको शनिवार से पहले राजहंस पक्षी होता है उसका पंख ले लेना है, ठीक है, थोड़ा जो पंख गिरा हुआ मिले वैसा 20-25 पंख ऐसा आप ले ले, ठीक है। और कोचनी का फूल, मतलब इसको कचनार भी बोलते हैं, तो कचनार का सफेद फूल होता है उसको ले लीजिए। शनिवार को सुबह जाइए, कोई काली रंग की जो गौ माता हो, देखो काला गाय जब बोल रहे हैं तो गाय काली ही होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक महत्व है, ठीक है। ये जो पूरा विधान मैं बता रहा हूं आपको, ये वनस्पति तंत्र का ही एक भाग है। तो जब काली गाय बोला तो काली गाय की कहीं हमें दूध चाहिए, तो राजहंस का जो पंख है और जो कचनार के फूल है उसको ले लें, और शनिवार की सुबह में काला रंग का जो गाय है उसका दूध लेकर के उसमें इसका खीर बनाए, ठीक है। खीर बनाने के बाद जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उसका पूरब दिशा में बैठ करके, ठीक है, कमल के आसन पर, वस्त्र जो सिला हुआ ना हो ऐसा, स्नान ध्यान करके बिना भोजन किए, ठीक है। और जब आप इसका जाप करना है तो दृष्टि, अगर आप पुरुष हैं तो महिला पर नहीं पड़नी चाहिए, जब महिला है तो पुरुष पर नहीं पड़नी चाहिए, बस आपके मानस पटल पर। अगर सर्वजन वशीकरण करना है तब तो ब्लैंक स्लेट रहेगा, और किसी विशेष के लिए अगर आप इस हवन का आयोजन कर रहे हैं तो उसका जो मुख मंडल है वो आपके मानस पटल पर होना चाहिए। मंत्र क्या है, मंत्र 3 बार बोलूंगा, इसमें बीजाक्षर बहुत है तो लिख लें। ओम, ओम नहीं है, ओम ताल तुम वैरी दह दह दरय भाल भाल, 2 बार है, दरय भाल भाल, अम अम हुम हुम हेम हेम काल कामनी कोट काटिया अम ठह ठह। क्या मंत्र है, ओम ताला तुम वैरी दह दह दैर भाल या दरय भाल भाल, अम अम हुम हुम हैम हैम काल कामनी कोट काटिया अम ठह ठह। एक बार और सुनिए, ओम ताला तुम वैरी दह दह दैर भाल भाल
अम हुम हेम 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 काल कामनी कोट काटिया अम ठह ठह। 108 बार जाप करने के बाद जो आपने खीर बनाया है, ठीक है, आम की लकड़ी का हवन जलाएंगे वो चारों दिशाओं में बनेगा। मतलब जैसे हम जब भगवती का हवन करते हैं तो वो त्रिपुंड बनाते हैं, इसमें 3 लकड़ियों का नहीं 4 लकड़ियों का आप कुंड बनाएंगे। बीच में आप एक सूखा नारियल रखेंगे, उसमें हवन सामग्री भरेंगे, उसमें कपूर डालेंगे, उसमें घी डालेंगे और उसको इसी मंत्र से पहले प्रज्वलित करेंगे। ओम ताला तो वैरी दह दह दरे भाल अम अम हुम हेम हेम काल कामनी कोट काटिया अम ठह ठह, ठीक है। और उसको प्रज्वलित करने के बाद जो खीर बनाया है उस खीर से आप हवन करते हुए अगर किसी एक व्यक्ति का को आपको वशीकरण करना है तो उस एक व्यक्ति का ध्यान मन में रखेंगे। नहीं, अगर आपको नेत्र वशीकरण में खुद को सिद्ध करना है तो आंख बंद रखेंगे पूरे समय, ठीक है, और खुद का ध्यान करेंगे और 108 बार आहुति देंगे। ऐसा करने से आपकी दृष्टि में वशीकरण शुरू हो जाता है। इसके बाद आप अगर किसी व्यक्ति का सोच करके आप इस वशीकरण क्रिया को कर रहे हैं तो उसको जैसे ही आप देखेंगे वो आपके वशीभूत हो जाएगा। और सर्वजन वशीकरण में ये होता है कि आप जब किसी से नेत्र में नेत्र मिला के बात करते हैं तो वो आपका विरोध नहीं कर पाता है, ठीक है ना। इस क्रिया को तंत्रोक्तर विधान में जनरली जो साधक होते हैं वो कुछ कुछ दिनों पे रिपीट करते हैं, ठीक है। तो अगर जो अच्छे सिद्ध साधक हैं वो जो 4 नवरात्र होता है उसमें जो है उसमें जो भी शनिवार पड़ता है उसमें इसको रिपीट करते हैं, और जिनको बहुत जरूरी होता है, बहुत वशीकरण का आवश्यकता होता है, पब्लिक डीलिंग करते हैं, वो हर महीने में एक बार इस विधान को रिपीट कर सकते हैं। इसका अनंत लाभ है, बहुत सारे जो साधक है इसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत सिद्ध पुरुष होते हैं जिनको आप देख के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष इस कामनी मंत्र का प्रयोग करते हैं। जो इसमें बहुत अच्छे अच्छे बीज हैं, जैसे ठह ठह बीज है, ठीक है, वो देव कन्या का बीज है, कामिनी का बीज है इसमें। हाँ, तो पूर्ण रूपेण ये एक ऐसा मंत्र है और ऐसा इसका बीज है, अगर ये पूर्ण रूपेण जागृत हो जाए तो इंसान जो है देवतुल्य उसके उसका आभा मंडल हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक बात और, वशीकरण का मतलब बिल्कुल वैसा नहीं होता है कि आप किसी को बोलोगे, मैं इसको हर बार बताता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को बोलोगे उठ तो उठ जाएगा, बैठ तो बैठ जाएगा। हाँ, वशीकरण का मतलब होता है कि उसका आभा मंडल आपके आभा मंडल से नहीं टकराएगा। तो अगर वो आपका हमेशा विरोध भी करता है, वो आपका विरोधी किस्म का व्यक्ति है, तो वो आपका विरोध करना छोड़ देगा, आपसे संभाव रखेगा। ऐसा ही होता है जब आप किसी विशेष व्यक्ति पर जब आप वशीकरण करते हैं तो वो आपका विरोधी नहीं रह जाता है, वो आपका सहभागी हो जाता है। लेकिन उसमें ये वो आपका बात मानने लगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका और उसका सबकॉन्शियस एक ही है। तो इस विधान को करिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसी में जो हवन का जो चूर्ण बनता है, जो विभूति बनती है, उसको चूर्ण बोलते हैं। विभूति और चूर्ण में एक अंतर होता है, वो कभी और मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो विभूति बनती है उस विभूति को लोग वशीकरण विभूति के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इसका 2 प्रयोग होता है। कुछ लोग इसको माथे पे लगाते हैं, तो जो लगाता है माना जाता है कि वो मतलब उसको जो भी देखेगा वो उसके वशीभूत हो जाएगा। दूसरा, जिसका वशीकरण करना होता है उसके सर पे या वस्त्र पे अगर ऐसे अगल बगल से गुजरते हुए आप थोड़ा ये विभूति लगा देते हैं तो जो उस पर असर होता है वो दुगना तिगुना होता है। आज के लिए इतना ही। इनको साधना का शुरुआती विधान जानना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसका एक शुल्क लगता है, उसके बाद आपको साधना का जो शुरुआती तंत्र मंत्र यंत्र हवन का विधान भैरव जी की पूजा ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। जिनको मुझसे डायरेक्ट बात करना है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा डायरेक्ट। आपको अगर मेरा कार्यक्रम या लेखनी पढ़ना है तो www.akurtantrasya.com पर आ जा सकते हैं डायरेक्ट। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो 9431188585 इस पर भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ कामनी आप सभी की कामना पूर्ति करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।